बैंक का जो है एक स्कीम है, वाटर रिसोर्स ग्रुप है इनका 2030। ऐसा है, ये एक समय की मांग को पूरा करते हुए ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो कदम है। खासकर बुंदेलखंड में जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ सुख में तालाब बनते थे, दूर में तालाब बनते थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पानी के लिए एक वर्कशॉप हुई, जिसमें सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के अधिकारियों सहित कई जिलों के डीएम, सीडीओ, जल संरक्षण से जुड़े ग्रुप, सोशल एक्टिविस्ट शामिल हुए। इस वर्कशॉप में जलयोद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे भी शामिल हुए। इस पूरी चर्चा का उद्देश्य था कि कम पानी में अधिक सिंचाई करके किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे पहुंचाया जाए और साथ में पर्यावरण को बैलेंस रखकर आने वाले वर्षों में जल संकट से निपटने के कारगर तरीके कैसे खोजे जाएं। सिंचाई एवं जल संसाधन के विशेष सचिव डॉक्टर हीरा लाल ने कम पानी में अधिक सिंचाई का मंत्र दिया। वर्ल्ड बैंक का जो है एक स्कीम है, वाटर रिसोर्स ग्रुप है इनका 2030, और उसके सहयोग से और जो सारदा कमांड एरिया है सिंचाई विभाग के सहयोग से हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। इसमें हमने सारे स्टेक होल्डर को बुलाया है, इसमें सिंचाई विभाग, भारत सरकार के लोग, वर्ल्ड बैंक के लोग, प्रधान, किसान, मीडिया के लोग, सोशल एक्टिविस्ट, पद्मश्री, जो पानी पे काम करते हैं और उसके लिए जीते हैं, उनको सबको बुलाया है कि कैसे कम पानी में ज़्यादा सिंचाई हो और ज़्यादा फसल हो और ज़्यादा कमाई हो, यही हमारा टैग लाइन है। ठीक है, तो ये आज आइस ब्रेकिंग हम लोग कर रहे हैं, इसकी शुरुआत है। फिर इसके बाद भी हम लोग अपने ट्रेनिंग करेंगे अपने विभाग के लोगों का, और उसको रीजन वाइज करने का विचार है कि बुंदेलखंड पे एक होगा, एक वेस्टर्न यूपी पे होगा, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश पे होगा, जिससे कि हमारे जो विभाग के लोग हैं उनकी ट्रेनिंग हो जाए, वो जाग जाएं और वो बहुत सारी स्कीमें जो अभी बताया गया भारत सरकार में है उनको भी और अच्छे तरीके से करने के लिए ये एक मोटिवेशनल वर्कशॉप है। तो यही अनुभव रहा है अब तक फील्ड का कि सभी स्टेक होल्डर को एक प्लेटफार्म पे लाओ, उनके अंदर कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन बढ़ाओ, सबकी ऊर्जा इकट्ठा होगी और तभी रिजल्ट मिलेगा। जब अलग अलग काम करते हैं तो फिर ऊर्जा इकट्ठा नहीं होती और काम ठीक नहीं होता है। तो जो आप कहना चाह रहे हो उसी को प्राप्त करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो जिले लेवल पे अभी हम लोगों ने जिले में जाके कुलावा बैठक की है, और उस कुलावा बैठक में सारे विभाग, चाहे इरिगेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हार्टिकल्चर हो, चाहे रेवन्यू हो, सबको बुला करके हम लोगों ने बैठक की है, और ये जो फील्ड लेवल पे कोऑर्डिनेशन का अभाव है उसको ठीक किया है और उसको ठीक कर रहे हैं। किसानों का मैसेज यही है कि कम पानी में ज़्यादा सिंचाई कैसे हो, इस पर सोचना शुरू कर दें, इसको एडॉप्ट करना शुरू कर दें। अब वो जो फ्लड इरिगेशन ने कि पानी छोड़ दिया है, वो फैल रहा है, अब वो आज के डेट में रिलीवेंट नहीं है, उससे फसल और पैदावार कम होती है, लेकिन हमें लगता ज़्यादा होगा। तो हमें किसानों का जो माइंड सेट है फ्लड इरिगेशन से माइक्रो इरिगेशन पे लाने के लिए उन्हें जागरूक करना होगा और इसके फायदे को समझाना होगा। इस वर्कशॉप में केंद्र सरकार के जल संसाधन प्रबंधन मंत्रालय के कमिश्नर अनुज कुमार ने किसानों की आय बढ़ाने में पानी के योगदान पर जोर दिया। ऐसा है, ये एक समय की मांग को पूरा करते हुए ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो कदम है बहुत ही समयानुसार बहुत अच्छा कदम है, और इसमें किसानों के संदर्भ में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कैसे पानी एक साधन हो सकता है उसके बारे में विचार विमर्श होने वाला है। और इसका एक मैं पार्ट होने के कारण मैं अपने आप को एक गौरवान्वित समझता हूँ कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फार्मर्स के प्रति और कृषि के प्रति जो पॉलिसीज़ हैं उनको आज इस प्लेटफॉर्म तक सब लोगों को बताने के लिए तैयार हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में कमिश्नर KWM कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट और वाटर इफिशेंसी, ये विंग्स को मैं हेड करता हूँ, और इसके बारे में हम काफ़ी जो काम करते हैं, क्योंकि फार्मर्स को ये नहीं पता कि उनके बारे में कहाँ कहाँ कौन कौन लोग सोचते हैं भारत सरकार में,
और वो भारत सरकार जब खुद ही उठ के आए और उनको बताए तब उनको समझ में आता है। तो मेरा काम आज यही है कि मैं यहाँ पर आकर भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों और जितने भी उनकी पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में आपको बताऊँ। बुंदेलखंड के बांदा से आए जलयोद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने बुंदेलखंड में पानी बचाने के उस मॉडल की चर्चा की जो सैकड़ों साल से यहां के लोग इस्तेमाल करते आए हैं। मेरी जो तकनीक थी वो परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक थी और हर खेत पर मेड़ और हर मेड़ पर पेड़, पुरखों के जल जोड़ने के जो बेजोड़ तरीके थे, क्योंकि मेरा जो प्रयास रहा है वो बगैर सरकार की सहायता का है। मैंने न कोई एनजीओ बनाई, न कोई संस्था बनाई, न कोई कार्यालय बनाया, न कोई ऑफिस खोला, और मैं स्वयं में मैंने सोचा कि गांधी जी ने आज से करीब 80 वर्ष पहले कहा था, जब पानी का संकट नहीं था, कि प्रकृति आवश्यकता की चीज़ तो सबको देती है, जब आप प्रकृति के को दुरुपयोग करते हैं तो दुरुपयोग के लिए कुछ नहीं देती है। हमने पानी के लिए, गंगा और यमुना का देश है हमारा, और इस पानी के, गंगा और यमुना के देश में पानी का एक बड़ा बाजार खड़ा हो गया और बोतल में पानी बिक रहा है। हमने जब हम छोटे थे तो हमने तालाब में पानी देखा, कुएं में पानी देखा, नाले में पानी देखा, और आज हम बोतल में पानी देख रहे हैं। एक ज़माने में खेती में हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी था, आज परिस्थिति ये हो गई है कि गाँव के उन तालाबों का पानी खत्म हो गया है, कुओं का पानी खत्म हो गया, जिन कुओं तालाब का पानी पी करके नहा करके हम बड़े हो गए। हमने सोचा कि हम क्यों ना समुदाय के साथ मिलकर जो परंपरागत जल जोड़ने के तरीके हैं, पुरखे हमारे जैसे पानी रोकते थे, हमने उसी को जागृत किया है और उसका नाम दिया है मेड़बंदी यज्ञ अभियान, जैसे बिरुमा जी का भूदान यज्ञ अभियान। और मेरा अपना मानना है कि सरकार की कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक समाज ना जुड़े, क्योंकि हमारे देश में, खासकर बुंदेलखंड में जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ सुख में तालाब बनते थे, दुख में तालाब बनते थे, उत्सव में तालाब बनते थे और दंड में तालाब बनते थे, और तालाब की रक्षा समाज करता था। पानी सबका है, आप दो राज्यों को बांट सकते हैं लेकिन भीतर के पानी को नहीं बांट सकते।